वो हमसे जानकारी हासिल करने के लिए वहाँ बाकी इस कार्यक्रम के मैं पहले भी आ चुका था और पटना में एक अति व्यस्तता के कारण मैं नहीं जा पाया। मेरा दुबई में जाने का प्रोग्राम था और इस प्रोग्राम के लिए यूपी मेरी संवेदनाएँ थोड़ी ज़्यादा रहती हैं। हरिओम के आगे से मेरा बहुत करीब का और पारिवारिक रिश्ता है, मेरे बच्चे की तरह से है, मेरा बेटा इनका दोस्त इनके लिए मैं शुभेच्छा रहता हूँ। ये जिस नोएडा संवाद में लिखे हैं मित्रों, नोएडा मेरी आंखों के सामने बनाए, आप में से कई मेरे से बात की पीढ़ी के होंगे, एनडी तिवारी जी मुख्यमंत्री थे तभी के आसपास का नोएडा है और आपातकाल में हम लोग जेल चले गए। हम जेल में थे तभी गाजियाबाद मेरठ का बंटवारा हुआ, इसमें गाजियाबाद थे, लेकिन मुझे प्रसन्नता है पहले एक ही जिला था ये कि यहाँ पर राजधानी के निकटता की वजह से इसकी जो उपयोगिता भी है बनी बढ़ी हुई है। और पता नहीं क्यों मैं इसमें बेईमानी कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ ये गुड़गांव से ही आगे, गुड़गांव से आगे है लेकिन मेरी इच्छा है ये जो सुख सुविधाएं एयरपोर्ट करीब होने की वजह से और इसके दो एयरपोर्ट आपके पास जेवर का हो जाएगा और जो हिंडन एयरपोर्ट है वो अब कॉमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल हो जाएगा और नोएडा वासी फख्र के साथ जब निकलेंगे तो कहेंगे दो दो एयरपोर्ट के बीच में और इसकी जो सामिक और सुमिकता है एयरपोर्ट के करीब इससे इसकी जो प्रसिद्धि है और बड़ी कार्यक्रमों से या महंगी इमारतों से शहरों की पहचान है। अभी भी कई मामलों में हम देखते हैं